अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं सलमान हसन और मैं सैयद आयशा नास। बुलेटिन का आगाज दुनिया हेडलाइंस से। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमरीका का हुकूमत तालिबान मुजाकरात के दौरान ड्रोन हमलों में कमी का ऐलान। मुजाकराती कमेटियों की बातचीत का आगाज कल से होगा। हुकूमती कमेटी डीजी आईएसआई से भी मुलाकात करेगी। पेशावर में दहशतगर्दी ने 9 घर उजाड़ दिए। कलदम तहरीके तालिबान का धमाके से लातालुकी का ऐलान। जल्द से जल्द हल निकाला जाए, पेशावर की दुखियारी मां की अपील। हमारा जो तालिबान भाई है वो पश्तून है। मैं उनसे कह रही हूँ कि मेरे भाइयों, अब भी मुसलमान है और अब भी मुसलमान है। हमारे क्या गुनाह है, हमने क्या गुनाह किया है? हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द नाकेराज करे। कराची में धमाके से तबाह होने वाली नाइट कोच की बोगियों को ट्रैक से हटाने का काम जारी। एक ट्रैक बहाल कर दिया गया, ट्रेनें ताखीर का शिकार। फ्रंटियर कॉलोनी कराची में रेंजर्स का टारगेटेड ऑपरेशन। 500 अहलकार शरीक, इलाके का मुहासरा कर लिया गया। आमदोरफ्त पर पाबंदी, घर घर तलाशी का अमल भी जारी। हर तरफ जुल्म का बाजार गर्म, बात बात पर तशद्दुद का रवैया। जालिमों का हाथ कौन पकड़ेगा? कानून क्यों हरकत में नहीं आता? अनगिनत सवाल, जवाब कोई नहीं। बुलेटिन में शामिल है खसूसी रिपोर्ट। 67 साल गुजर गए, भारत हर धर्मी से बाज ना आया। अपने प्यारों को रोता बिलकता छोड़ने वाले कश्मीरियों की आंखें आजादी के ख्वाब की ताबीर की मुंतजर। अमरीका में बदतरीन बर्फानी तूफान की पेशगोई। दो तिहाई रकबा मुतासिर होने का खदशा। कई रियासतों में बर्फानी तूफान से मामूलात जिंदगी मफलूज। हादसात में 2 अफराद जान बहक। और रूस में सरमाई ओलंपिक्स की सताही तकरीब की तैयारियां। आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा।